Ali. Welcome to our channel. So first of all, so sorry for the late upload. क्योंकि आप सब जानते हैं दिवाली चालू है तो तैयारी में थोड़ी बिजी हूँ. So let's go to our video. आज हम बनाने जा रहे हैं धुंधली की सब्जी. सो गाइस, हमारे टेस्टी तुंडली की सब्जी बनाने के लिए हमें लगेगा 500 ग्राम कटा हुआ तुंडली, 2 से 3 कटे हुए प्याज, 2 से 3 कटे हुए टमाटर, लहसुन, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, पिसा हुआ नारियल, नमक, जीरा और हल्दी. सो हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें कटे हुए तुंडली डाल देंगे. उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और उसके बाद उसे अच्छे से मिला लेंगे. अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के साइड में रख देंगे. दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है. हम उसमें तेल डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, कटे हुए प्याज डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे. फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर डालकर मिला लेंगे. मिलाने के बाद हम उसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और लहसुन डाल देंगे. फिर हम उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देंगे क्योंकि हमने तुंगली में पहले से एक बड़े बाउल में थोड़ा नमक और हल्दी डाल दिया था, तो हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे. फिर हम उसे अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे. 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे. वही दूसरी तरफ जो हमने तुंडली बाउल में डाली हुई थी मैरिनेट करने के लिए वो रेडी हो चुकी है. हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे. और अच्छे से मिला लेंगे. फिर 10 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के इसे रख देंगे. 10 मिनट के बाद हम उसमें पिसा हुआ नारियल डाल देंगे फिर हम उसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और सब कर लेंगे. सो हमारी सुपर टेस्टी तुंडली की सब्जी तैयार है. सो अगर आपको हमारी तुंडली की सब्जी अच्छी लगी हो और अगर आपको और नए नए वीडियोस चाहिए सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And don't forget to tag us at home and drop your comments in the comment section.